गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इन मैथमेटिक्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। चैप्टर का नाम क्या है? मनी। एज यू कैन सी द पिक्चर हियर, इट इज द पिक्चर ऑफ अ मनी दैट इज यूज्ड इन इंडिया। ये किसकी पिक्चर है? ये है इंडियन करेंसी की पिक्चर। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे नोट्स इंडिया में वैलिड हैं, इंडिया में चलते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मनी। मनी क्या होता है? मनी जो होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक्सेप्टेड होता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। जो किसी भी चीज़ के पेमेंट करने के लिए हम मोड यूज करते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हो, सर्विस हो, डेट्स हो या कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं मनी। आप सिंपलर फॉर्म में समझ सकते हैं, मनी मतलब होता है पैसा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। वी यूज फॉलोइंग कॉइन्स एंड करेंसीज टू बाय द थिंग्स। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कॉइन्स के हैं। तो इंडिया में ये सारे कॉइन्स चलते थे। मैं ये नहीं बोलूँगी ये सारे कॉइन्स चलते थे, कुछ कॉइन्स अभी भी चलते हैं और कुछ इनमें से बंद हो गए हैं। तो इंडियन कॉइन्स जो हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। बाकी कॉइन्स की पिक्चर्स मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। द कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल। जो ये सारे कॉइन्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं एक तरीके के मेटल से। किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यू कैन सी हियर 25 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 100 पैसे कॉइन और 1 रुपी कॉइन, 200 पैसे कॉइन और 2 रुपी कॉइन एंड 500 पैसे कॉइन और 5 रुपी कॉइन। ये जो 100 पैसे, 200 पैसे और 500 पैसे कॉइन हैं, ये 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के होते हैं। इनमें से जो ये 25 पैसे और 50 पैसे की कॉइन हैं, ये अब चलन में नहीं है। दे आर नॉट इन यूज राइट नाउ। तो दीज डेज वी यूज डिफरेंट कॉइन्स दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। अब नीचे लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? द फॉलोइंग कॉइन्स वर ऑल्सो यूज अर्लियर बट नाउ दे आर नो मोर इन यूज। ये जो कॉइन्स हैं ये पहले चलते थे, लेकिन इनमें से कुछ कॉइन जैसा कि मैंने अभी बताया बंद हो गए हैं। तो जो सिक्के पहले चलते थे और बंद हो गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। दे आर 5 पैसे कॉइन, 1 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन, 25 पैसे, 5 रुपी, 2 पैसे, 2 रुपी, 50 पैसे एंड 1 रुपी। दीज आर द ओल्ड कॉइन्स दैट वर यूज्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स कौन कौन से हैं? 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट नाउ देयर इज 20 रुपी कॉइन इज ऑल्सो इन यूज। अब हम लोग 20 रुपए के सिक्के को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ कॉइन्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, दे आर नाउ इन यूज इन इंडिया। ये अब इंडिया में चलते हैं। अब बात करते हैं इंडियन नोट्स की। किसकी? इंडियन नोट्स। द नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। जितने भी नोट्स होते हैं इंडिया में वे सारे पेपर से बने हुए होते हैं। वी यूज द फॉलोइंग नोट्स, दीज आर द नोट्स दैट वी आर यूजिंग। अब हम इनमें से कुछ नोट्स बंद कर चुके हैं, बट फ्यू आर स्टिल इन यूज। द फर्स्ट वन इज 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट एंड 1000 रुपीज नोट। तो इनमें से जो ये हमारा 500 रुपीज नोट और 1000 रुपी का नोट है, ये अब हमारे यूज में नहीं है। दे आर नाउ बैन इन इंडिया और वी कैन से दे आर नाउ चेंज। तो 5 रुपी नोट का एक न्यू नोट आ गया है और 1000 रुपी जो है वो बंद हो चुका है। इंस्टेड ऑफ इट वी आर यूजिंग राइट नाउ 2000 रुपी नोट, राइट? तो चलिए अब इन्हीं को देख लेते हैं। ये तो थे हमारे पुराने नोट जो चलते थे। इनमें से कुछ नोट अभी भी चलते हैं और कुछ नोट
न्यू आ गए हैं, जैसे ये जो 10 रुपी नोट है, 20 रुपी, 50 रुपी एंड 100 रुपी, ये पुराने नोट भी चलते हैं और इनकी जगह अब न्यू नोट्स भी आ गए हैं, और 500 रुपी नोट की जगह भी आ गया है। तो चलिए अब हम न्यू नोट्स को देख लेते हैं। दीज आर द न्यू नोट्स, 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। दीज आर द नोट्स दैट वी आर यूजिंग नाउडेज। तो इनमें से 10 रुपी का हम पुराना नोट में यूज़ करते हैं, 20 का भी करते हैं, 50 का भी करते हैं, 100 का भी करते हैं, बट जो ये 200 का नोट है वो फर्स्ट टाइम इशू हुआ है, 500 का पुराना नोट बंद हो चुका है, और 2000 का भी न्यू नोट फर्स्ट टाइम ही इशू हुआ था डिमोनेटाइजेशन के बाद। ठीक है, तो दीज आर द नोट्स दैट वी आर यूजिंग। चलिए अब हम देखते हैं हमको क्या सीखना है। तो ये था हमारा चैप्टर मनी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखते हैं, जिसके जरिए आपको इंडियन करेंसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एंड गुड बाय। रुपीस एंड पैसे। नेहा, इट इज माय बर्थडे ऑन द नेक्स्ट मंडे, सो आई हैव टू डू सम शॉपिंग फॉर द डे। But Tina, you need money for that. Do you have it? Oh, Neha, don't worry about that. I have lots of money. Also, I know very well about Indian currency. Do you want to know anything about money? Of course, Tina. Please tell me about money in detail. Fine, Neha. So let us discuss about money. We use money to buy things. Indian money is rupees and paisa. It is in the form of notes and coins. In short, rupees is written as RS and paisa as P. We also have a symbol to denote rupee. The different coins in use are 50 paise, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. The different notes in use are 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees and 1000 rupees. 100 paise make 1 rupee. It means if we have 250 paise coin, we can get 1 rupee coin or a 1 rupee note for these. 1 2-rupee coin can be changed for 2 1-rupee coins. And if you want to pay 50 rupees to someone, you can do it in a number of ways. Some of these are 5 notes of rupee 10, 10 notes of rupee 5, 2 notes of rupee 20 and 1 note of rupee 10, or 3 notes of rupee 10 and 1 note of rupee 20.